पुलवामा के आतंकवादी आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हो गए और एक और खबर दिल दहला देने वाली आई कल। देहरादून में पास ही में रहने वाले मेजर चित्रेश बिष्ट के बारे में, जो सेंट जोसेफ एकेडमी के स्टूडेंट थे और जिनका विवाह 7 मार्च को होने वाला था। एक आईईडी एक्सप्लोजिव को वो डिफ्यूज कर रहे थे और उस वक्त उनकी जान चली गई। ऐसे हाल हो रखे हैं इस वक्त कि दिमाग सोचने के काबिल तक नहीं रह गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहा जाए, किससे क्या बोले, अपना दर्द किसको बयां करें। मुझे पता है कि हर भारतवासी के दिल में यही दर्द है और ये जो आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान है, पाकिस्तान शायद भूल गया है कि कई वर्ष पहले उसका क्या हश्र किया था। और याद आ रही है आज देश की लौ महिला आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। आज ऐसा लग रहा है कि काश जिस वक्त हम इतने हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पॉलिटिकल क्लास में कोई एक नेता ऐसा हो जो श्रीमती गांधी जैसा हो, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा होता, शायद आज पाकिस्तान की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आतंकवाद को इतना बढ़ावा दे पाता। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने देश की सेना को वो हिम्मत, वो ताकत दी और वो ऐसा उन्होंने मनोबल बढ़ाया उनका कि हमारी सेना पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर मार के आई उन्हें। उन्हें पता था कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो उनके पीछे है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जो की जो सोच थी, जो उनका तरीका था, वो आज हमारे पॉलिटिकल क्लास में मिल जाए, यही इच्छा आप में और मुझ में, हम सब में है। आज हमारे कश्मीर के साथ जो हो रहा है, हमारे कश्मीर में जो आतंकवाद फैलाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना उन्हें नहीं छोड़ने वाली। बस आज ये लग रहा है कि हमारे इतने सारे जो जवान शहीद हो गए, हमारे इतने यंग लाइव्स, इतने नौजवान शहीद हो गए, देश में जिस तरह की का इस वक्त माहौल है, आप और मैं, हम सब चाहते हैं कि इन्हें सबक सिखाया जाए। परंतु सेना जो है हमारी, वह बहुत मजबूत है, वह जानती है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। परंतु याद आती हैं आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ऐसी नेता जो जानती थी कि चेतावनी कैसे दी जाती है, उस चेतावनी को फॉलो अप कैसे किया जाता है। और आज ऐसा लग रहा है जो माहौल है उसे देखकर ये भी तकलीफ हो रही है कि अगर इंदिरा गांधी जी होती आज, तो क्या वे अपना समय किसी रैली में या किसी चीज को लॉन्च करने में या किसी चीज की ओपनिंग में जाती? शायद नहीं, यकीनन नहीं। वे इस वक्त बैठकर केवल और केवल ये मॉनिटर कर रही होती कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, किस तरह से पूरी प्लानिंग की जाए ताकि पाकिस्तान की ऐसी जुर्रत ना हो।
वैसे मुझे ये यकीन है कि आज यदि इंदिरा गांधी जी होती तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती थी कि वह हमारे इतने सारे नौजवान सीआरपीएफ के जवानों को मौत के घाट इस प्रकार उतार देती। इस तरह से कश्मीर की हालत होती आज, आज देश में जो माहौल है उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप और मैं क्या करें। ये सब ठीक है कि ये मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, इसकी ओपनिंग करनी है, उसकी ओपनिंग करनी है, चुनाव आने वाले हैं, परंतु इस चीज़ को कहीं ना कहीं रुकने की आवश्यकता है। ये ज़रूरत है कि हमारा पॉलिटिकल क्लास कुछ देर तो अपने घर में बैठ जाए, इन शहीदों को कुछ तो मान दे, इनका कुछ तो आदर करे। क्या जरूरी है कि इधर हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, इधर भाषणबाजी की जा रही है। कोई भी पॉलिटिकल क्लास जो है यदि इस तरह की चीजों में इंडल्ज कर रही है तो ये उनके साथ नाइंसाफी है, जिन्होंने जान दे दी अपनी ताकि हम जीवित रह सके, जिनके जिनके प्राणों की आहुति ले ली गई, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उनके लिए खतरा थे, क्योंकि वे हमारी सुरक्षा में लगे हुए थे। तो आवश्यक है कि पॉलिटिकल क्लास को समझ में आना चाहिए कि वे चुपचाप तो बैठ जाए कब कम से कम इस वक्त। क्या जरूरी है कि बड़ी बड़ी बातें करके, रैलियों को संबोधित करके अनाउंसमेंट्स करना कि हम चेतावनी दे रहे हैं? जो आप चेतावनी दे रहे हैं आप अपने ऑफिस में बैठकर एक पीसी करके दे सकते हैं, आप टेलीविजन पर एक राष्ट्र के नाम संदेश दे के कर सकते हैं। कम से कम इस वक्त मजाक मत उड़ाइए। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, जब नेता कोई मर जाता है तो नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी जाती है। तो आज क्या हुआ? हमारे वीर जवान जो शहीद हो गए, हमारे जो नौजवान अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में अपना कार्य करते वक्त उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके उनके लिए क्या नेशनल मॉर्निंग की जरूरत नहीं है? आप और मैं सब मौन कर रहे हैं, हमें सबको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का अपना कोई चला गया हो, हमारे इतने सारे भाई चले गए। और ये जो हमारे भाई चले गए हैं, इनके परिवारों के बारे में सोचिए। कोई किसी का बेटा, कोई किसी का भाई, कोई किसी का पति, कोई किसी का पिता, सोचिए उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में जिनके ऊपर से उनके पिता का साया हट गया। सोचिए उन माता पिता के बारे में जिनकी बुढ़ापे की लाठी चली गई। सोचिए उन पत्नियों के बारे में, उन महिलाओं के बारे में जिनका सुहाग उजड़ गया। सोचिए कि क्या बीत रही होगी उन पर, और क्या बीत रही है हर देशवासी पे, क्योंकि हर देशवासी तो हर शहीद के घर नहीं पहुंच सकता, पर चोट लगी है। और इस वक्त जो चोट है, देखिए यदि जंग हो रही होती और हमारे वीर सैनिक शहीद हो रहे होते लड़ते हुए, तो गर्व भी होता, दुख होता, पर गर्व भी होता। परंतु जिस तरह से ये पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है, इस तरह के आत्मघाती हमलों की बात है, इससे आक्रोश है, इससे गुस्सा आ रहा है। ये समस्या ऐसी है जिसका समाप्त होना आवश्यक है। और ऐसा लगता है कि देश को कोई ऐसा नेता मिलता, कोई ऐसा नेता होता जो इस चीज को अंजाम उसी प्रकार दे पाता जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, जिस तरह का कड़ा जवाब दिया था पाकिस्तान को। हर समय के हालात अलग होते हैं, हर समय की मांग अलग होती है, हर समय की जरूरत अलग होती है। और आज के वक्त में क्या करने की आवश्यकता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए, ये पॉलिटिकल क्लास को सोचने की आवश्यकता है, सरकार को सोचने की आवश्यकता है। हमारे सैनिक जो है वे वीर बहादुर हैं, वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, परंतु पॉलिटिकल क्लास क्या कर रहा है? इतने पहले जो कुछ हुआ वो आज पाकिस्तान भूल गया, ये नौबत ही क्यों आई? हम इतने शक्तिशाली जब है, हमारा देश इतना शक्तिशाली देश है, और हमारी पॉलिटिकल क्लास ये बात कह रही है, बार बार ये कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो तो एकदम गरीबी की कगार। ऐसा कैसे हो जाता है कि जो पाकिस्तान गरीबी की कगार में, भुखमरी की कगार में, और हमारे देश के नेता ये कह भी रहे हैं,
कि एक गरीब देश है, आइसोलेटेड देश है। कैसे आइसोलेटेड है? अगर इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया, अगर ये कहा जा रहा है कि चीन उनके साथ है, तो कहाँ आइसोलेटेड है वो? और एकमात्र 19 बरस का लड़का 200 किलो आरडीएक्स लेकर घुस जाता है एक सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में, एक ऐसे स्टेट में जहां अफस्पा लगा हुआ है, जहां सैनिकों की प्रेजेंस इतनी भारी तादाद में है, जो इतना संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे वो एक कॉन्वॉय में घुसता है और उसे पता होता है कि कौन से वाले ट्रक जो है, कौन सा वाला ट्रक बुलेट प्रूफ नहीं है, वो उसी को जाके उड़ाता है। और उसी उसी को उड़ाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है ना कि इस 19 साल के लड़के को असलियत पता थी, उसके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि कौन सा वाला ट्रक उसे उड़ाना है। आप मुझे बताइए, यदि उसने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं कर रही हूं, इंटेलिजेंस फेलियर तो एक अलग चीज है, वो तो एक लार्जर लेवल पे है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये इनपुट सरकार के पास ऑलरेडी थी, सरकार के पास, सेना के पास ये इनपुट ऑलरेडी थी, तो सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? ये भी खबर आई है कि कहा गया था कि उन्हें एयरलिफ्ट करा लिया जाए, उन्हें रास्ते से ना भेजा जाए, तो बाय रोड बाय ट्रक उन्हें क्यों भेजा गया जब ये सारी इनपुट थी? मैं बात कर रही हूं इंटेलिजेंस फेलियर से भी बहुत बड़ी एक बात, कि कोई ना कोई एक देशद्रोही है, कोई ना कोई एक ट्रेटर है जो हमारे अंदर है, जो हमारे बीच में है, जिसने ये अंदर से खबर दी कि कौन से वाले ट्रक पर यह आत्मघाती हमला होना चाहिए। कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा ही रहेगा, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए इस वक्त कि कश्मीरी भी हमारे हैं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कश्मीरी भी हमारे हैं। और आप ये देख लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है, किसी की बातों में मत आइएगा, किसी भी र्यूमर पे मत जाइएगा, तरह तरह के र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तरह तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस या सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे हैं, ये वक्त है हम सबको एक हो जाने का, ये वक्त है हर पॉलिटिकल पार्टी को एक हो जाने का। हम सबको अपनी शक्ति दिखानी है और हम सबको अपनी यूनिटी दिखानी है, यही इस देश की खूबसूरती है कि ऐसे वक्त में हर पार्टी, हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति एक हो जाए और सरकार के साथ कंधा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, और पाकिस्तान को और जितनी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें तोड़ना चाहती है किसी भी तरीके से, धन के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, उन्हें ये वार्निंग दी जाए, उन्हें ये वार्निंग है कि वे हमें नहीं तोड़ सकते। भारत देश एक है, भारत देश एक रहेगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम टूट जाओगे पर इस देश को नहीं तोड़ पाओगे, याद रखना।